अरे क्या हाल है। गर्मियों के हिसाब से बहुत ही सुहाना दिन है और अभी मैं निकल रहा हूँ। जस्ट ये सामान है, कंबल है ये साथ में ना, ये रिचू का कंबल था। उसकी जब MDS कंप्लीट हुई थी तब से यहाँ पे पड़ा, क्योंकि दिल्ली लेके नहीं गई थी वो, और अभी जिस कॉलेज में उसने स्टडी की थी उसी में उसकी अपॉइंटमेंट वगैरह हो गई थी, तो अभी फिर से चाहिए ये कंबल, तो अब ये पहुँचाना है उस तक। और आज फिर से मैं नैनो लेके जा रहा हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि बाइक पे जाऊंगा, लेकिन दादा दादी को वैक्सीन लगवाने लेके जाना है, सेकंड डोज। फर्स्ट डोज तो उनकी काफी पहले हो गई थी, वो शीशा बहुत गंदा। चलो शीशा साफ कर लेते हैं पहले, उसके बाद निकलते हैं। कल तो कांगड़ा वगैरह में बहुत ज्यादा बारिश हुई, मतलब ऊना में तो इतनी हुई नहीं। कल ऊना में लगी होगी दोपहर के बाद 3:15 बजे बारिश लगी और कुछ 7 बजे बंद हो गए। लेकिन कांगड़ा धर्मशाला वगैरह में तो इतनी ज्यादा बारिश हुई, धर्मशाला में तो बादल भी फटा और मतलब हद से ज़्यादा बारिश। वहाँ पे जो भाग सुनाथ को रास्ता जाता है, जो चौक सा एक, वहाँ पे मतलब गाड़ियाँ ऐसे बह रही थी, बुरे हाल से बह रही थी। मतलब जो भी टूरिस्ट वगैरह आए होंगे, कुछ लोकल लोगों की गाड़ियाँ होंगी, कुछ टैक्सी वालों की होंगी, बह जा रही थी। मतलब इतना फ्लो इतना ज़्यादा था, बादल फटा था। तो और आज भी धीरे धीरे थोड़ा बादल हो रहा है, अब देखो क्या बनता है। अभी फिलहाल के लिए तो धूप है, और धूप जो है बड़ी तेज़ है इस टाइम, क्योंकि जब सफाई हो जाती है ना बारिश होने के बाद, जो धूप होती है तो एटमॉस्फेयर में बिल्कुल वैसे डस्ट वगैरह नहीं रहती, उस वजह से शायद ज़्यादा तीखी चुभती है। बड़े टाइम से बारिश ना हुई हो तब इतनी तीखी नहीं लगती धूप, लेकिन बारिश के इमीडिएट बाद मतलब जैसे नेक्स्ट डे विजिबिलिटी बड़ी दूर तक हो जाती है, साफ साफ दिखता है। मतलब ऊना से भी वो जो दौलाधार की रेंज है पहाड़ों की, धर्मशाला वाले, वो बिल्कुल क्लियर दिखती है। नॉर्मली नहीं दिखती, बारिश होने के बाद दिखती क्लियर। इवन के जलंधर से भी दिखनी शुरू हो गई थी पिछले साल लॉकडाउन में। तेल भरवा लेते हैं अभी, तेल महंगा ही बड़ा हो गया। 96.73। चलो टैंकी होगी फुल और अभी सारे काम हो जाएंगे इस टैंकी से। ऊना तो शायद वापस नहीं आ जाएगा, ऊना आती बार फिर से भरवाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी जो जो काम करने जा रहा हूँ शायद मोस्ट प्रोबेबली हो जाए। क्यों ध्यान से रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पत्थर गिरते हैं। देखो ये पत्थर गिरे हुए हैं ना ये सारे बारिश में, पीछे तो और भी ज़्यादा गिरे हुए। ओके तो पलेरा पहुँच गया हूँ मैं, दादाजी ने यहीं पे आना था, देखते हैं आए हैं कि नहीं। घर पे जाना नहीं था, सीधा यहाँ से लेके दादाजी को फिर चले जाना था वापस की तरफ, लेकिन अभी दिख तो रहे नहीं है यहाँ पे, वेट ही करनी पड़ेगी मेरे को। यहाँ छाया मिल जाता हूँ गाड़ी कहीं इस साइड से, आते हैं पैदल पैदल। यहाँ पे धूप बड़ी है और धूप में जो है ना हालत ख़राब हो जाएगी, यहाँ पे भी देखना पड़ेगा पुलिस से नीचे ना उतर जाए गाड़ी। हाँ थोड़ी सी छाया में करके खाड़ी खड़ी कर दी है ताकि बड़ी गर्मी ना लगे। और ये देखो इसके रेडिएटर की आवाज़, आजकल कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करने लग पड़ी है। धीरे धीरे चले हुए थे अच्छा वहाँ से, घर से तो बड़ी देर के निकल के कहते दादाजी को लगना, देखते हैं अब मिलते भी हैं कि नहीं। उसके बाद मैंने तो कांगड़े जाना, वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा काम है। मैं रानी ताल ना बिजली का बिल जमा कराना, तो अब बस में जाओगे अभी? हाँ बस में चली जाऊंगा। अभी आज तो टीका लगा नहीं, कहते हैं कि आज सेशन है नहीं, मतलब लग ही नहीं रहे हैं, कहीं पे भी लग रहे हैं। कॉल करके देखी इधर उधर तभी पता लगा कि और कहीं पे भी नहीं लग रहे आज का दिन, और 2 मिनट के लिए उतरा रहे पसीना पसीना हो गया। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ कांगड़ा को और वहाँ पे थोड़ा काम है, और अखिल और रुचिका को लेके आना साथ में वापस आती बार। अभी मैं आ गया हूँ चाची के यहाँ पे क्वार्टर पे, और कोई भी नहीं है यहाँ पे। अखिल और रुचिका दोनों गए हुए हैं बाजार, चाची गई हूँ अपने काम पे, चाचू भी काम पे हैं, और अभी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। चलो आगे आगे चल गया है खाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, कुछ और ही बोतल लग रही है ऐसे लिफाफे में ऐसे डक के, कुछ और ही बोतल लगती है। खाना खुना खा लो, चाची कह रहे हैं कि खाना रखा हुआ बना के, वो खा के फिर ही जाना। इस बारी से भी पानी जा रहा था इस तरफ से,
कहाँ से? ये इस तरफ से हो गए, बात कर रहे हैं कल के बारिश की। हेलो, और अभी वापस से निकल लिए हम, अभी जाके रास्ते में रानीताल से दादाजी को लेना। पानी का लेवल कितना था? थोड़ा ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ पानी इस तरफ से होके जा रहा था, इस तरफ से होके मान लो कितना पानी था। कितना टाइम हो गया आपको वेट करते? बड़ा टाइम। और ये है अपना पुल आ गया जी, ये पुराना केबल वाला पुल इस साइड पे, और नीचे बहाव देखो बहुत तेज है, बहुत तेज। और दूसरी साइड हमारा पुराना वाला पुल जो था, पानी इस पुल को तो टच कर देता है, इस पुल को टच कर देता है पानी जब ऊपर बड़ी ज़्यादा बारिश होती है। और अभी हाइट देखो पानी कितना नीचे है, और सोचो इतना ऊपर तक टच होके जाता है पानी। और अभी हम पहुँच गए हैं पलेरा, बाकी मौसम जो है थोड़ा थोड़ा बादल वाला हो रहा है। तो 2:15 हुए हैं अभी टाइम, और अभी तो धूप निकली हुई है, पर शाम तक शायद बारिश भी आ जाए। जय हो, जय हो। नमस्ते मैम जी, और ठीक? और अभी शाम के 7 बज रहे हैं, और मतलब आने के बाद यहाँ पे कज़न वगैरह सभी एक रूम में इकट्ठे हो गए थे, और इकट्ठे होने के बाद जो बातें वगैरह चली हैं, बातें कर रहे थे, और मेरे को लगता है थोड़ा साफ़ नहीं है। हाँ अब ठीक है, तो बातें वगैरह कर रहे थे और वीडियो वगैरह ज़्यादा कुछ शूट नहीं की, क्योंकि जब बातें कर रहे होते हैं सभी बैठ के इकट्ठे तो वो मोमेंट्स ना वैसे इन्जॉय करने वाले होते हैं, फिर वो रिकॉर्ड करने में कौन उसमें टाइम मतलब लगाए अपना। तो अभी छत पे आया हूँ, 7 बज गए हैं, और मौसम जो है अभी तो खुला हुआ है, लेकिन इस साइड जो है काफ़ी बादल वगैरह दिखाई दे रहे हैं। और ये मेरे साथ काकी यशमिता, या बाकी नीचे बैठे हैं, कुछ नीचे बैठे हैं, बुआ कपड़े धो रहे हैं। तो बाकी आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, बाकी सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। अरे क्या हाल है, लौट क्यों गए? बाकी आपको लगता है कि वीडियो में मेरे को इम्प्रूव कुछ करना चाहिए था, मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। यार मैंने वीडियो एंड कर दी, तू लेट हो गया तू। मैं सजदा जरा था, पर वीडियो तो एंड हो गई है, कल आइयो। फैन फॉलोइंग बड़ी ज्यादा, ठीक है मेरा अलग फैन है ना, तेरा कोई फैन नहीं।